एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, चंगे होगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे जिसको अपनी मैचिंग की चीजें नहीं मिलती उनको आज से वो चीजें मिल जाएंगी। आज मैं अपनी वीडियो में एक चीज ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कहीं पार्टी में जाना होता है और आप ना बड़े कंफ्यूज होते हो कि मेरी यार इयरिंग नहीं मिल रही है, मेरी मैचिंग की चूड़ियां नहीं मिल रही हैं, मैं इस ड्रेस के साथ क्या पहनूं। इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन हर लेडीज के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं होता है। आप लोग सोचोगे क्यों, आप दुनिया की सबसे अनोखी हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं करती हूँ एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल जिससे मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब दूरी बना के रखनी होती, मैं कंफ्यूज नहीं होती। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं हमारी चीजें सारी व्यवस्थित हमें मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हम पहनते हैं वो चीज वहीं रख देते हैं और फिर बाद में हम ढूंढने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपनी चीजों को एक जगह व्यवस्थित करती हूँ और जब भी मुझे उस चीज को लेनी होती है उसको लेती हूँ और पहनती हूँ और फिर वहीं रख देती हूँ। तो आपको मैं आज एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जो अगर आप लोगों को भी अगर अच्छा लगता है तो आप लोग भी ऐसा करके अपनी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये जिप लॉक बैग। ये आपके बड़े काम की चीज है। मैं इसको जब से मेरे पास ये बैग आने लगे ना, तब से मुझे मेरा जो काम है बड़ा आसान हो गया। इसमें मैं क्या करती हूँ आप देख सकते हो, मैंने इसमें साड़ी, इयररिंग, ज्वेलरी, ब्लाउज, मतलब हर चीज मैंने इस जिप लॉक बैग में रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि मैं जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होती कि ये साड़ी है और इसके साथ कौन सी इयररिंग पहनूं, कौन सा नेकलेस पहनूं। मैं ये सारी चीजें इनमें रख देती हूँ। अब आप ये कहोगे कि इनमें अगर हम रख भी देते हैं बाय द वे, तो जब मुझे दूसरे ड्रेस के साथ ये पहननी हो तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना यार, इससे निकालो, पहन लो और फिर इसी में रख दो बस। क्योंकि सबके साथ तो ज्वेलरी और मैचिंग की सारी चीजें नहीं लाई जा सकती ना, ये होता है। तो मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो मेन लगता है मुझे उसमें मैं ये चीजें रख देती हूँ। आप अगर देखोगे तो एक छोटा सा डब्बा है, उसमें मैंने सारी ये ज्वेलरी रखी है, ब्लाउज रखा है, यहाँ पे रेड कलर की ये देखिए चूड़ी, इधर इस साइड, ये साइड है, इस साइड चूड़ियां रखी हैं और ये देखिए साड़ी है। तो इस तरह से मुझे बड़ी चीजें हैं जो इजी से मिल जाती हैं। तो आप भी ऐसा ट्रिक कर सकते हो, और मैंने एक नहीं सबके साथ ऐसा ही किया है, मैंने सब में सबको मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी चीजें रखती हूँ। इसमें देखिए मैंने पर्स तक रख रखा है, तो इससे मुझे सारी चीजें तुरंत मिल जाती हैं। मुझे डिसाइड नहीं करना होता है कि मैं इयररिंग क्या पहनूं, क्योंकि हर वक्त तो आदमी ये तो है नहीं कि बिजी रहता है। जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे ये सारी चीजें अरेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फ्री हो कुछ टाइम के लिए तो आप इस जिप लॉक बैग में सारी चीजों को अरेंज करके रख दो जो आपकी फेवरेट ड्रेसेस हैं। सारी जिप लॉक बैग्स में तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन जो आपकी फेवरेट हैं, आप शादी पार्टी किसी भी चीज में यूज करते हो तो उनमें ये सारी चीजें रख सकते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी यूजफुल चीजें आप लोगों को बता रही हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मेरे चैनल को अगर बहुत ज्यादा अगर लगता है कि मेरी इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज, ये सारी ट्रिक। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपके पास इस तरह के जिप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी पॉलीथीन, जो बहुत मोटे थिक पॉलीथीन आती है, उसमें रख के इन चीजों को और उसको लॉक कर सकते हो। लॉक यानी कि टेप वगैरह से आप लॉक कर सकते हो और उसको अरेंज करके रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप नहीं रख सकते। आप जिप लॉक वाले जो घर में जो बनते हैं और बैग्स, वो भी बना सकते हो। आपके पास कई ट्रिक है, मैं इसमें रखती हूँ। और ये जिप लॉक बैग्स वैसे तो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह का भी कर सकते हो और अपनी चीजों को अरेंज कर सकते हो। तो अगर मेरी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं अभी इस वीडियो को करती हूँ इन, टाटा एंड बाय बाय, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।